जहां एक और बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं गया में बड़ा कांड हो गया है। दरअसल नक्सलियों ने एक बार फिर सामुदायिक भवन डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया है। अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करने के लिए इमामगंज में सामुदायिक भवन को नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया है। ध्वस्त सामुदायिक भवन को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शिलान्यास किया था। इसके साथ ही नक्सलियों ने हाथ से लिखा हुआ एक पर्चा भी सामुदायिक भवन के पास छोड़ा है, जिसमें बीजेपी और एनडीए सरकार को ध्वस्त करने की बातें लिखी हुई हैं। बहरहाल गनीमत तो ये रही कि धमाके के दौरान सामुदायिक भवन में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे, नहीं तो अब हालात कुछ और ही होते। लेकिन कहीं समय आते आते ऐसा ना हो कि नक्सली सरकार की दशा और दिशा दोनों ही पलट कर रख दें, क्योंकि मौके पर मिले पत्र से ये साफ हो रहा है कि नक्सलियों में भी नीतीश और मोदी सरकार को लेकर खासी रोष है। बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा कि बिहार की सत्ता किस तरफ मोड़ लेती है। लेकिन जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जो गहमा गहमी चल रही है, वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। लेकिन अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार में बीजेपी दो उप मुख्यमंत्री बनाकर और सुशील मोदी को दरकिनार कर 15 साल की जोड़ी को ध्वस्त कर अपना फायदा देखना चाह रही है। लिहाजा अब सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव के हक में भी इसका फायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात से साफ है कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं सीएम बनने की किरण नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना।